हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फूड एंड किचन। तो फ्रेंड, बरसात हो रहा हो और गर्मा गर्म पकौड़ा हर किसी को मन होता है खाने का, छोटे से बड़े सभी पसंद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज हम अलग स्टाइल से प्याज और आलू का पकौड़ा बनाएंगे। तो प्याज को देखिए, स्लाइस में ऐसे गोल गोल मेरे कट कर लेंगे और आलू को भी कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बेसन ले लिया हमने और नमक मिर्चा लहसुन को पीस लिया है और इसमें ऐड करेंगे। तो इसे घोल बना के तैयार करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग हल्दी पाउडर डालेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पर जो नमक मिर्चा लहसुन का पेस्ट बना है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहते हैं आप मसाले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल सा सादा सा पकौड़े बना रहे हैं। तो यहाँ पर नमक मिर्चा लहसुन को ऐड कर दिए और इसे पतला सा घोल बना के तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर फिर मिला लेते हैं और इसके बाद थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा, एक साथ में ज़्यादा नहीं, नहीं तो इसमें लम्स बन जाता है और गुठलियाँ बनने लगती हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें पतला सा घोल बनाएंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही झटपट से बनने वाली पकौड़ी और मौसम के हिसाब से तुरंत बन जाने वाला इस पकौड़ा। तो चलिए हम लोग इसे थोड़ा सा और पतला कर लेते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में आपको कम से कम 3-4 मिनट तक इसे फेंट लेना है। इससे पकौड़ियाँ फूली फूली बनती हैं और बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है। तो चलिए हम लोग फेंट लेते हैं इसे। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से पेस्ट तैयार हो गया। थोड़ा सा गोटा इसे थोड़ा सा और पतला करेंगे, थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। तो फ्रेंड, बैकग्राउंड से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है बच्चों का, तो मैं मत कीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके और ये देखिए पतला सा घी बना के तैयार कर लिया और इससे ज़्यादा पतला घी करेंगे। नहीं तो छानते वक्त आलू दिखने लगेगा ऊपर ऊपर से, प्याज से ऊपर नहीं है। तो चलिए इसे हम सबसे पहले प्याज वाला पकौड़ा ऐसे कर लेते हैं। इस तरह से फ्रेंड बना के देखिएगा, पतले पतले बिल्कुल कट करिएगा और ऐसे तल लीजिएगा। बहुत ही टेस्टी, इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए, बहुत ही मज़ा आता है खाने का। तो इसी तरह से फ्रेंड आलू का भी पकौड़े तल लेंगे। एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आप इसकी बिल्कुल भी मत कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि मेरी वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से लोगों तक पहुँच जाए वीडियो और मेरी वीडियो थोड़ा वायरल हो जाए, रैंकिंग में आ जाए। तो फिर इसे हम रख लेंगे। देखिए पकौड़ा, क्या लाजवाब पकौड़ा तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड देख के आपका भी मूड हो रहा होगा खाने का, तो आप जरूर एक बार